हेलो स्टूडेंट, आज की इस नई वीडियो में हम फिजिक्स सेकंड पेपर का जिसका टॉपिक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर वन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 2-3 साल में वो क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। कुछ ही क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर वन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे फिजिक्स सेकंड पेपर, जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकत्व के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के इन्वेस्ट किए। उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पर लगातार ऐसी वीडियोज आती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के इन्वेस्ट किए। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेश Q1 व Q2 निर्वात में परस्पर डी दूरी पर स्थित हैं और उनके बीच कार्यकारी बल F है। यदि उनके बीच परावैद्युतांक K=4 का एक परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो इनके बीच अब बल क्या होगा, यानी पहले परावैद्युतांक के पहले का जो बल है वो क्या होगा, और परावैद्युतांक पदार्थ रख दिया जाता है तो जो बल है उसका वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है 4 गुना, ऑप्शन बी है 2 गुना, ऑप्शन सी है आधा हो जाएगा, ऑप्शन डी है 1/4 गुना। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो दो आवेश है Q1 व Q2, दो आवेश है एक आवेश Q1, एक आवेश है Q2, और दोनों के बीच की दूरी डी है, डी दूरी पर स्थित हैं और उनके बीच कार्यकारी बल F है, यानी कैपिटल F, इसका जो फोर्स लग रहा है कैपिटल F है। और यदि इनके बीच परावैद्युत मतलब कुछ रख देते हैं परावैद्युत पदार्थ इसके दोनों आवेशों के बीच में, तब पूछा गया है परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो इनके बीच अब बल क्या होगा। यानी Q1 Q2 दो आवेश हैं, तो इसको हम कूलाम के नियम से निकालते हैं। फोर्स F=, इसका फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r2। ये कब होता है, जब परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा जाता है या निर्वात में, K की वैल्यू जहाँ पर 1 होती है निर्वात के केस में। क्वेश्चन वगैरह दो आवेश Q1 व Q2 निर्वात में है, तो निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 होता है। अब इसमें परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है जिसकी K=4 है, तो परावैद्युत पदार्थ रखने पर जो बल होता है वो होता है 1/4πε0 K Q1 Q2/r2। और ऊपर वाले जो फोर्स है वो निर्वात रखा गया है, इसलिए वहाँ पर K की वैल्यू 1 है। तो इसी फार्मूला में हम इसको रख कर वैल्यू सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को इसके आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो परावैद्युत माध्यम भर दिया जाता है जिसकी वैल्यू K=4 है, तब फोर्स हो जाएगा F=1/4πε0 K की वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 4 है, इंटू Q1 Q2/r2। तो निर्वात के केस में फोर्स था 1/4πε0 Q1 Q2/r2। तो इसी फार्मूले में हम ये हमारा बल क्या है, ये F1 है। F1 कब है, जब परावैद्युत माध्यम K=4 रख दिया गया है, तो F1 हमारे आ जाएगा निर्वात में कितना था, निर्वात के केस में बल था 1/4πε0 Q1 Q2/r2। तो ये जितना भी कोष्टक में आपको दिख रहा है इसको मैं दूसरे कलर से एक बार दिखा दूँ आपको, दूसरे कलर से जितना ये है इसके स्थान पर हम लिख लेंगे 4, यानी 4 को छोड़ के यहाँ पर इसके स्थान पर हम लिख लेंगे F, क्योंकि निर्वात के केस में K की वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर जो K है K=4, तो ये 1 रखकर हम जितना फोर्स होगा हमारा उसको हम F रख लेंगे अपान 4। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है, यानी परावैद्युत माध्यम रख देंगे K=4 तो उसका बल जो हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा या 1/4 गुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को आप एक तरह और सॉल्व कर सकते हैं, इसका जो रिलेशन होता है बल का निर्वात के केस में और परावैद्युत माध्यम के केस में। तो जो निर्वात यानी परावैद्युत माध्यम K की वैल्यू कुछ भी हो तो वहाँ पर जो फोर्स होता है उसको हम F1 से लिखते हैं, तो वो होता है F/K। के यहाँ पर जो है वो परावैद्युत माध्यम है, जो भी परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है K=1 हो जाएगा, तो फोर्स निर्वात के केस में जितना होगा उतना ही परावैद्युत माध्यम भर देने में उतना ही होगा। अगर K की वैल्यू 2 है तो आधा हो जाएगा, K की वैल्यू 3 है तो 1/3 गुना हो जाएगा, अगर 4 है तो 1/4 हो जाएगा। तो इस फार्मूले से आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। F1 अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है F1=F/K, अगर K की वैल्यू परावैद्युत माध्यम अगर 2 है K की वैल्यू, तो यहाँ पर 2 रख देंगे हम, तो इसको बहुत ही आसानी से इसको हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु को दिया जा सकने वाला न्यूनतम आवेश है, ऑप्शन ए 1 कूलाम, ऑप्शन बी एक स्थायित कूलाम, ऑप्शन सी 1.6×10⁻²⁰ कूलाम, ऑप्शन डी 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। तो किसी वस्तु को दिया जा सकने वाला जो न्यूनतम आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जब दो आवेशित कणों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है तो उनके बीच कूलामी बल
ऑप्शन ए आधा रह जाता है, ऑप्शन बी एक चौथाई रह जाता है, ऑप्शन सी दो गुना हो जाता है, ऑप्शन डी चार गुना हो जाता है। तो कूलाम के नियम से जो हमको मालूम है कूलामी बल जो होता है फोर्स एफ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो ये रिलेशन होता है बीच की दूरी में यानी आवेशित कणों के बीच की दूरी और बल में कूलाम के नियम से या कूलामी बल के नियम से। तो इसी फार्मूले में हम रख देंगे जब दो आवेशित कणों के बीच की दूरी को आधा कर देता है यानी पहले दूरी आर थी अब दोबारा उसको इसको उसकी दूरी आधा कर दिया गया मतलब आर अपान टू कर दिया गया। तो इसी फार्मूले में हम रख देंगे आर के स्थान पर आर अपान टू क्योंकि दूरी आधा कर दिया गया है तो आर अपान टू का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर अपान फोर। तो फोर पहुँच जाएगा ऊपर मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वन अपान आर स्क्वायर अपान फोर या इसको आप और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फोर अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर पहले से था तो मतलब चार गुना हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी जब दो आवेशित कणों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है तो उनके बीच कूलामी बल जो है वो चार गुना हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और जो गुलामी बल होता है वो होता है एफ इक्वल टू वन अपान फोर पाइव सेवन जीरो जिसकी वैल्यू होती है नाइन इंटू टेन की पावर नाइन इंटू क्यू वन क्यू टू यानी वन अपान फोर पाइव सेवन जीरो इंटू क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर होता है। तो ये गुलामी बल का फार्मूला है गुलाम के नियम इसे कहते हैं यानी गुलाम ने यह नियम दिया था दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का फार्मूला एफ इक्वल टू नौ गुणे दस कहते हैं नौ क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत रोधी को इंग्लिश में कहते हैं इंसुलेटर। तो क्वेश्चन पूछा गया है एक विद्युत रोधी या इंसुलेटर का परावैद्युतांक है ऑप्शन ए फोर ऑप्शन बी सिक्स ऑप्शन सी जीरो ऑप्शन डी नाइन। तो विद्युत रोधी या इंसुलेटर जहां पर विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है या विद्युत रोधी कहलाते हैं तो एक विद्युत रोधी या इंसुलेटर का परावैद्युतांक जीरो होता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान यम तथा आवेश क्यू की दो पिथ बाल एक ही बिंदु से यल लंबाई के भारहीन धागों से लटकाई गई हैं दोनों धागे ऊर्ध्व से छीटा कोण बनाते हैं यदि छीटा नगण्य है तो दोनों पिथ बालों के बीच की दूरी है यानी क्वेश्चन में कह रहा है कोई पिथ बाल है और यल लंबाई की भारहीन धागों से लटकाई गई है मतलब यहाँ ये यल लंबाई की है ये कोई यहाँ पर इसका मास एम है और चार्ज जो है क्यू है दो हैं दो मास हैं एम मास के हैं और चार्ज दोनों का क्यू है दो पिथ बाल एक ही बिंदु यानी यल से यह लंबाई के भारहीन धागों से लटकाई गई हैं दोनों धागे ऊर्ध्व से थीटा कोण बनाते हैं यदि थीटा नगण्य है तो दोनों पिथ बालों के बीच की दूरी होगी। तो ये हमसे पूछा था बीच की दूरी तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बीच की दूरी निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगी वो क्यू स्क्वायर यल अपान टू पाई एप्सिलॉन जीरो एम जी की पावर वन अपान थ्री आ जाएगी यानी नीचे इसका जो भार होगा वो एम और गुरुत्वाकर्षण के कारण जी जी हो जाएगा एम जी तो दोनों का भार एम जी होगा। जब आप इसके दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर यल अपान टू पाई एप्सिलॉन जीरो एम जी की पावर वन अपान थ्री आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स है एक इलेक्ट्रॉन एक अनंत रेखीय धन आवेश के चारों ओर 0.1 मीटर की त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है यदि आवेश का रेखीय घनत्व 1 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर हो तो इलेक्ट्रॉन का वेग है ऑप्शन ए 0.562 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड ऑप्शन बी 5.62 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड ऑप्शन सी है 5.2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड ऑप्शन डी है 0.0562 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन दिया गया है रेखीय घनत्व 1 माइक्रो कूलाम तो रेखीय घनत्व जो फार्मूला होता है रेखीय घनत्व को आप सिग्मा ले सकते हैं सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान एरिया ए तो क्यू अपान ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर वृत्त में घूम रहा है तो आर की वैल्यू आप ले सकते हैं त्रिज्या 0.1 मीटर और सिग्मा की वैल्यू गिवन है 1 माइक्रो कूलाम या 1 × 10⁻⁶ तो यहाँ से आप आवेश निकाल लेंगे क्यू और फिर क्यू निकालने के बाद यहाँ से आप जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी से आप काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी से आप वेलोसिटी उसका निकाल लेंगे या इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे 1/2 mv². यहाँ पर जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का मास है क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन एक अनंत रेखीय धनावेश के चारों ओर 0.1 मीटर की त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है तो यहाँ पर जो मास आप लेंगे वो इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्यू इंटू वी से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकालेंगे वी तो वो आ जाएगा 0.562 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से आप वेलोसिटी निकालेंगे वी तो आ जाएगा 5.62 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इसका
करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर वैद्युत द्विध्रुव के चारों ओर के स्थान में है, ऑप्शन ए केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी केवल वैद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ऑप्शन डी वैद्युत व चुंबकीय दोनों में से कोई क्षेत्र नहीं। तो एक स्थिर विद्युत द्विध्रुव के चारों ओर के स्थान में केवल वैद्युत क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, स्थिर वैद्युत द्विध्रुव है, वहाँ पर सिर्फ केवल वैद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो सकता है, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों नहीं हो सकते हैं, वैद्युत व चुंबकीय दोनों में से कोई क्षेत्र नहीं, मतलब यहाँ पर जो होगा वो केवल वैद्युत क्षेत्र होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, केवल वैद्युत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि एक आवेश क्यू एक घनाकृति के केंद्र पर रखा है व घन की एक भुजा की जो लंबाई वो ए है, तो घन की किसी एक फलक की तरफ का वैद्युत फ्लक्स होगा, ऑप्शन ए क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, ऑप्शन बी क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो ए स्क्वायर, ऑप्शन सी क्यू अपान 6 एप्सिलॉन जीरो, ऑप्शन डी क्यू अपान 3 एप्सिलॉन जीरो। तो हमारे पास एक घन है, घन के यदि एक आवेश क्यू एक घनाकृति के केंद्र पर रखा गया है, तो पहले हम घन बना लेते हैं, ये घन है, घन के केंद्र पर रखा गया है एक आवेश क्यू, तो इसके 6 फलक हैं, 6 फलक होते हैं घन में, एक ऊपर एक नीचे एक सामने एक पीछे एक इधर एक इधर, मतलब 6 टोटल फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, जैसे चाक का डिब्बा होता है, चाक के डिब्बे में घन के रूप में है, इसमें भी 6 फलक होते हैं, जैसे एक संदूक है, संदूक में भी 6 फलक होते हैं, मतलब ये घन टाइप का है, घन के रूप में है, घन है तो वहाँ पर सभी भुजाएँ बराबर होगी, जैसे ये संदूक है, संदूक में सभी भुजाएँ बराबर नहीं होती हैं। तो जो घन क्वेश्चन में कह रहा है, घन मतलब हम चाक का डिब्बा ले सकते हैं, यानी जिसके चारों भुजाएँ सभी भुजाएँ बराबर हों या इक्वल हों तो उसे घन कहते हैं। तो घन में यानी सारी भुजाएँ की क्वेश्चन दिया गया है, एक भुजा की लंबाई ए है तो सारी भुजा की लंबाई ए होगा, क्योंकि घन की सभी भुजाएँ बराबर होती हैं। तो जो विद्युत फ्लक्स होगा हम उसे गॉस के नियम से निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स इक्वल टू होता है वो टोटल क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो गुना होता है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 6 फलक, तो क्यू अपान 6 एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, क्योंकि घन में 6 फलक होते हैं और एक भुजा की लंबाई ए है तो सभी भुजाएं की लंबाई इक्वल होती है, जिसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन जीरो, 6 क्यों आया क्योंकि 6 फलक होते हैं घन में, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ऐसी और वीडियो चाहिए, यानी जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी की वीडियो आएंगी लगातार इस चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, इस चैनल पर लगातार ऐसी वीडियो आती रहेंगी आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 1 के, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन, और एग्जाम में भी आपको इसी में से क्वेश्चन मिलेंगे, और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट चैप्टर के, वो भी बहुत ही जल्द यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पर तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप वो वीडियो देख पाएँ। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर, यानी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके और ये इस वीडियो का हेल्प सबको मिले, ताकि मेरी मेहनत बेकार न जाए और आप सबको भी इससे आपके नॉलेज में इंक्रीज मिले और आप अच्छा मार्क्स गेन कर पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।